दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके पीछे क्या कारण है, क्यों रशिया को यूक्रेन पर अटैक करना पड़ा। साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे जब दो कंट्री के बीच में वॉर होता है तो उन कंट्री पर क्या इम्पैक्ट होता है और उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम बहुत ही शॉर्ट में ये समझेंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर क्यों हो रहा है और फिर उसके बाद हम डिटेल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वॉर की वजह से उस कंट्री और पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 1991 से पहले रशिया और यूक्रेन दोनों ही सोवियत संघ का पार्ट थे, जिसे कि हम यूएसएसआर भी कहते हैं। यूएसएसआर का पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1992 में यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट बना था और 1991 में वो यूएसएसआर से अलग हो गया। एक टाइम ऐसा था जब यूक्रेन और रशिया दोनों साथ में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा क्या हो गया कि रशिया को यूक्रेन पर अटैक करना पड़ा। तो इसके पीछे आप इसका मास्टरमाइंड यूएस को बोल सकते हैं, अमेरिका को, या फिर इनडायरेक्टली आप नाटो को भी बोल सकते हैं। ये हम सब लोगों को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कभी नहीं बनती है। ये दोनों हमेशा इस बात में लगे रहते हैं कि इन दोनों कंट्री के बीच में कौन सा कंट्री ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाए। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आज के समय में नाटो में कुल 30 कंट्रीज है। नाटो में जो भी कंट्रीज है उन कंट्रीज के ऊपर कोई भी दूसरा कंट्री अटैक करता है तो ये तीसों कंट्री मिलकर उस सामने वाले कंट्री पर अटैक करते हैं। इसीलिए रशिया ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने। अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन गया तो अमेरिका बहुत ही आसानी से अपने आर्मी को यूक्रेन में लाकर रख सकती है। इसलिए रशिया ये नहीं चाहती कि यूएस की आर्मी उसके बॉर्डर के आसपास भी आए। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया ताकि वो नाटो का मेंबर ना बने। किसी भी वॉर की वजह से उस कंट्री में जान माल की हानि तो होती है, लेकिन उसके अलावा उस कंट्री के इकोनॉमी पर काफ़ी अफेक्ट होता है। उस कंट्री के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। दो कंट्री के बीच में जब युद्ध होता है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डैमेज हो जाता है, वहाँ का वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाता है, इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, जो आवश्यक वस्तु होती है उसकी कमी हो जाती है, देश के ऊपर काफ़ी कर्जा हो जाता है, जो नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो भी काफ़ी प्रभावित हो जाती है इसकी वजह से। अब हम वॉर और इन्फ्लेशन के बीच का रिलेशन समझते हैं। जब दो कंट्री के बीच में वॉर होता है तो उन दोनों कंट्री में इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है और वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है उस कंट्री के इकोनॉमी में कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब यूएस में सिविल वॉर हो रहा था, जिसे कि हम हिंदी में गृह युद्ध भी कहते हैं, तो उस समय वहाँ की गवर्नमेंट उस वॉर का खर्चा नहीं उठा पा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने पैसे छापने शुरू किए। जैसे ही ज़्यादा पैसे उन्होंने छापे, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ गई, और जब मनी की सप्लाई बढ़ गई तो उसकी वैल्यू जो है कम हो गई। जब मनी की वैल्यू कम हो गई तो लोग अब उतने ही पैसे से कम सामान खरीद पा रहे थे और इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती ही चली गई। ठीक इसी तरह वर्ल्ड वॉर टू के समय भी अमेरिका में इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। उस समय वर्ल्ड वॉर टू के समय अमेरिका की इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पे चल रही थी और वॉर की वजह से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। कुछ चीज़ें ऐसी थी, आवश्यक वस्तुओं की डिमांड बहुत तेज़ हो गई, और वहीं दूसरी तरफ जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, जिसे हम जो एक्चुअल काम करने वाले लोग थे, उसमें काफ़ी कमी आ गई थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ा था। नॉर्मली इस तरह के सिचुएशन में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ये मतलब होता है जो आपका इनपुट कॉस्ट होता है उसकी जो है कॉस्ट बढ़ जाती है। इनपुट कॉस्ट से मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, आपका लेबर कॉस्ट। जब आपका इनपुट कॉस्ट ही बढ़ जाता है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट तो ऐसे भी बढ़ना ही है। तो जब दो कंट्री के बीच में वॉर होता है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कंट्री की कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिमांड काफ़ी रहता है, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा होने लगती है। और इस सिचुएशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि वो ज़्यादा पैसे छापने शुरू करती है, लेकिन इसकी वजह से होता ये है कि मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और हाइपर इन्फ्लेशन और तेज़ी से बढ़ती है। 1946 के वॉर के बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन दोनों ही कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो गई थी। फ्रेंड्स, हाइपर इन्फ्लेशन पे मैंने पहले भी डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में हर चीज़ बहुत ही डिटेल में पता चल जाएगी। अब हम वॉर और ऑयल प्राइस के बीच का रिलेशन समझते हैं।
जब भी कोई भी कंट्री के बीच में वॉर होता है तो ऑयल की प्राइजेस भी बढ़ जाती है। 1990 में जब गल्फ वॉर हुआ था तो उस समय पर बैरल क्रूड ऑयल की प्राइस थी $21, जो कि वॉर के बाद पर बैरल क्रूड ऑयल की प्राइस हो गई थी $46। अगर हम करंट एग्जांपल की बात करें, जो भी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो इसकी वजह से, वॉर की वजह से बहुत सारी कंट्री ने रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से ये हुआ कि रशिया अपने ऑयल एंड गैस की सप्लाई को जो है कम कर देगा। आपको तो पता ही होगा कि रशिया जो है एक बहुत बड़ा सप्लायर है ऑयल एंड गैस का, और जैसे ही डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप बढ़ेगा, क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। और आप बहुत ही जल्द देखेंगे कि पेट्रोल डीजल की प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी होगी। इनफैक्ट बहुत सारे रॉ मटेरियल जैसे कि स्टील की प्राइजेस भी काफ़ी बढ़ गई है। अब हम वॉर और नेशनल डेट के बीच का रिलेशन समझते हैं। जब दो कंट्री के बीच में वॉर होता है तो वहाँ के गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। उन्हें बहुत सारा पैसा वॉर पर खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से उस कंट्री को दूसरे कंट्री से कर्जा लेना पड़ता है। और वॉर ख़त्म होने के बाद भी उनका खर्चा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि वॉर की वजह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डैमेज हो जाता है और उसे रीस्टोर करने में भी बहुत खर्चा आता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय यूएस का नेशनल डेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। वर्ल्ड वॉर के समय यूके ने यूएस से कर्जा लिया था अपने वॉर के एक्सपेंस को कवर करने के लिए। वॉर के समय यूके का नेशनल डेट 150% के आसपास था, और वॉर ख़त्म होते होते उसका नेशनल डेट जो है 240% तक पहुंच गया था। अब हम वॉर के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए जो पैसा वॉर पे खर्च होता है, अगर उसी पैसे का अगर हम सही यूज़ करें, उस पैसे का यूज करके हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, तो इस पूरे वर्ल्ड का कितना भला हो सकता है। अगर हम सिर्फ इराक के वॉर के बारे में बात करें, तो इराक वॉर में $2 trillion खर्चा हुआ था। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस $2 trillion से कितना कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की जा सकती थी। अब हम वॉर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि वॉर की वजह से भी इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है? आइए इसे हम समझते हैं। वॉर की वजह से कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं ये सिर्फ वॉर के बाद ही हो सकती है। बिना वॉर के भी हम इस इकोनॉमिक बेनिफिट्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है फुल एम्प्लॉयमेंट। यूएस में ये देखा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी, और उस समय यूएस में 100% एम्प्लॉयमेंट थी, सभी लोगों को जॉब मिला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। दूसरा बेनिफिट है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। जब भी किसी कंट्री में वॉर होता है तो वॉर के बाद गुड्स की जो है काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि वॉर के बाद कंट्री टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही रडार सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया था, उसका इन्वेंशन किया गया था, और आज आप देख सकते हैं कि रडार का अलग अलग जगह पर कितने अच्छे से यूज किया जाता है। वॉर का अगला बेनिफिट है चेंज इन सोशल एटीट्यूड। ये देखा गया वर्ल्ड वॉर वन के बाद कि बहुत सारी महिलाओं ने काम करना शुरू किया था। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि वॉर की वजह से वर्किंग पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम हो जाती है, और वर्ल्ड वॉर वन के बाद काफ़ी सारी महिलाओं ने जॉब करना शुरू कर दिया था, जो कि ये पहले एक्सेप्टेबल नहीं था लोगों को कि महिलाएं भी काम करें, लेकिन वॉर की वजह से लोगों के सोशल एटीट्यूड में ये चेंजेस आए और बाद में फिर महिलाओं ने भी काम करना शुरू किया। सो फ्रेंड्स, ये वॉर के जो बेनिफिट्स हैं ये वाकई में वॉर के बाद ही अचीव किया जा सकता है, या हम बिना वॉर के भी इसे अचीव कर सकते हैं, या वाकई में ये बेनिफिट्स है या बस बोलने के लिए ही है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जो भी बेनिफिट्स होते हैं वॉर के बाद का, ये बस नाम मात्र के लिए होता है। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इकोनॉमिस्ट ब्रोकन विंडो फैलेसी का एग्जांपल देते हैं। ब्रोकन विंडो फैलेसी को इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने, और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 1850 में फ्रेंच इकोनॉमिस्ट क्लाउड फ्रेडरिक ने एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल में एक लड़का एक विंडो की ग्लास को तोड़ देता है। आसपास के जो लोग होते हैं वो ये कहने लगते हैं कि इस बच्चे ने तो लोकल इकोनॉमी को हेल्प किया है, और इसके पीछे उन्होंने कुछ ऐसा तर्क दिया, विंडो को रिपेयर करने के लिए हमें ग्लास के शॉप में जाना पड़ेगा, ग्लास का जो शॉपकीपर है वो ग्लास को रिपेयर करने के लिए कारीगर को भेजेगा, इसकी वजह से उस कारीगर को एक्स्ट्रा इनकम आएगी, और उस पैसे का यूज़ करके वो कुछ सामान खरीदेगा वहाँ के आसपास के शॉपकीपर से, जिसके वजह से शॉपकीपर की इनकम बढ़ेगी और पूरे साइकिल में वहाँ का जो लोकल इकोनॉमी है उसको फ़ायदा होगा।
अब हम इसी चीज़ को दूसरे एंगल से देखते हैं। जो ग्लास टूटी है उसे रिपेयर करने में कोई नया डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है, हम बस जो ग्लास टूटा है उसे रिप्लेस कर रहे हैं। अगर वो विंडो टूटी ही नहीं होती तो शॉपकीपर का जो टाइम था, टाइम और मनी, वो अपना टाइम और मनी किसी इफ़िशियंट प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाया होता, जिसकी वजह से नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता। अगर हम वॉर की बात करें तो वॉर पे जो पैसा खर्चा होता है उस पैसों का यूज करके हम डेवलपमेंट एक्टिविटी करें तो कितना कुछ हम अचीव कर सकते हैं। उन पैसों का यूज़ करके हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, हम एजुकेशन और मेडिकल पर काफ़ी सारा पैसा खर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इराक वॉर में $2 ट्रिलियन का खर्चा हुआ था, उन पैसों का अगर हमने सही इस्तेमाल किया होता तो आज बहुत सारा डेवलपमेंट एक्टिविटी किया जा सकता था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।